गुड आफ्टरनून सिविल सेकेंड है। आज हम यहाँ प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए आए हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एल्कलिनिटी टेस्ट कैसे किया जाता है। जो वाटर सैंपल होता है हमारा, ठीक है, वाटर सप्लाई में जब हम वाटर को सप्लाई करते हैं, उससे पहले मैंने आपको बहुत सारे टेस्ट बताए थे, ठीक है, जिसमें आपकी केमिकल टेस्टिंग में आपका एल्कलिनिटी वाला पार्ट था, ठीक है। तो आज मैं आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताऊँगा कि एल्कलिनिटी निकालते कैसे, ठीक है। तो ये हमारी केमिस्ट्री लैब है। केमिस्ट्री लैब में आपने इसका नाम सुना होगा, ये आपका पूरा ब्यूरेट है, ठीक है, ये ब्यूरेट स्टैंड है, ये आपका फ्लास्क है, ठीक है, कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। तो केमिस्ट्री में आपने जो भी आपके ऑपरेटर्स हैं इनके नाम तो आपको पता है, ठीक है। मैं आपको सीधे डायरेक्ट बताता हूँ कि आपको करना क्या है एल्कलिनिटी निकालने के लिए, ठीक है। आपको मैंने दो कलर इंडिकेटर्स के बारे में बताया था, ठीक है, एक आपका होता है फिनोक्लिन, दूसरा आपका होता है मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन, ठीक है। और तीसरी चीज की हमें आवश्यकता होती है H2SO4 सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपका एक ब्यूरेट है इसको फिल कर लेना है H2SO4 सॉल्यूशन से, ठीक है। जो H2SO4 सॉल्यूशन है उससे हम क्या करेंगे, टाइट्रेशन करेंगे, ठीक है। और जो हमारा कोनिकल फ्लास्क है इसमें हमने क्या लेना है, 100 ml ऑफ वाटर सैंपल लेना है, ठीक है। 100 ml वाटर सैंपल का हमने इस पर लेना है। मेजरिंग फ्लास्क से हम क्या कर सकते हैं, 100 ml मेजर करके इसमें ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें जो आपका फिनोक्लिन है, ठीक है, जो फिनोक्लिन है इसकी कुछ बूंदें इस वाटर सैंपल में हमें डालनी है, ठीक है। 2-3 ड्रॉप्स ऑफ फिनोक्लिन, ठीक है। अभी इसमें कुछ कलर नहीं आ रहा है क्योंकि ये हमारा प्योर वाटर है बिल्कुल, ठीक है, डिस्टिल वाटर है, एल्कलिनिटी इसमें बहुत कम है, ठीक है। तो जब इसको हम फिनोक्लिन डालते हैं तो इसमें पिंक कलर अपियर होता है, ठीक है। जब पिंक कलर अपियर होता है उसके बाद हमको इसका टाइट्रेशन करना पड़ता है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे रीडिंग देखते हैं, ठीक है, जो ये आपका क्यूरेट है इसमें रीडिंग लिखी होती है, ठीक है, इसमें क्या लिखी रहती है, रीडिंग लिखी रहती है। तो यहाँ पर हम इनिशियल रीडिंग देख लेते हैं कि कितनी है, ठीक है। इनिशियल रीडिंग जैसे कि यहाँ पर अभी 29 है, ठीक है। तो मैं हल्के से यहाँ ड्रॉप को ढीला करूँगा और ड्रॉप वाइज H2SO4 नीचे गिरेगा और मैं इसको हल्के हल्के हिलाते रहूँगा अपने कोनिकल फ्लास्क में, ठीक है। जिससे कि क्या होता है, आपका जो आपका पिंक कलर आता है वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इनिशियल रीडिंग आपने पहले देख ली थी, टाइट्रेशन करने के बाद जो आपका कलर था वो डिसअपियर हो गया, कलर डिसअपियर हो गया, तो आप क्या करेंगे, आपकी फाइनल रीडिंग नोट कर लेंगे कि इनिशियल रीडिंग फाइनल रीडिंग, ठीक है। तो फिनोक्लिन का काम हो गया। अब आपका क्या काम करना है, आपने अब आपने लेना है मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर से आपने फिर से एक या दो ड्रॉप इसमें खाली गिरा लिया, ठीक है, एक या दो ड्रॉप। अब आप हल्का सा देख लेंगे, रेड इज वाइन रेड कलर आ रहा है, इसका वाइन रेड कलर दिख रहा है आपको। अब इसको फिर से टाइट्रेशन, हमको इसका टाइट्रेट करना पड़ेगा। तो फिर से आप यहाँ इनिशियल रीडिंग देखेंगे, ठीक है, इनिशियल रीडिंग देखेंगे और हल्के हल्के फिर से क्या करेंगे, नॉब को ढीला करेंगे, ड्रॉप वाइज ऊपर से H2SO4 आएगा और आगे करके हल्के हल्के इसको लाएंगे, ठीक है। ये आपको कब तक हिलाना है, जब तक कि आपका कलर कहाँ चेंज हो जाएगा, हल्का ऑरेंज कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये टेस्ट परफॉर्म होगा, जिसमें आपका इनिशियल पॉइंट आएगा और फाइनल पॉइंट आप यहाँ से नोट कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ टेबल में कैसे करना है। देखो, फिनोक्लिन वाले जब यूज किया था, पिंक कलर किया, पिंक कलर आया था, टाइट्रेशन किया तो इसमें चेंज हो गया, डिसअपियर हो गया, पिंक कलर डिसअपियर हो गया। उसके बाद दोबारा आप क्या डालते हैं, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डालते हैं, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डालते जब है तो उसमें वाइट लाइट आ जाता है, उसको जब आप दोबारा टाइट्रेशन करते हैं, ठीक है।
तो आपकी रीडिंग आ जाती है इनिशियल और फाइनल। उसके बाद आपको बनानी पड़ती है टेबल, ठीक है। टेबल में आप क्या करते हैं, एक तो फिनोक्टिलिन के लिए टेबल बनाते हैं, मिथाइल ऑरेंज के लिए टेबल बनाते हैं। जैसे मैंने एक टेबल यहाँ पे बनाई है कि सबसे पहला वॉल्यूम ऑफ सैंपल, इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 यूज, ठीक है। माना जैसे कि मैंने ये फिनोक्टिलिन के लिए टेबल बनाई है, ठीक है, फिनोक्टिलिन इंटीग्रेटर के लिए मैंने टेबल बनाई है। तो वॉल्यूम ऑफ सैंपल जैसे आपने 100 ml लिया, ठीक है, तो इनिशियल रीडिंग आपने नोट कर ली, उसके बाद फाइनल रीडिंग नोट कर ली, उन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखा, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, दो टेबल बनाएंगे, एक में फिनोक्टिलिन के लिए इनिशियल और फाइनल, और दूसरा मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के लिए, ठीक है। तो जैसे एक सैंपल के लिए हमने रीडिंग ले ली, वैसे ही आप क्या करेंगे, तीन या चार सैंपल लेंगे हर टेबल पे, ठीक है। तीन चार जब सैंपल लेंगे उसका जो वॉल्यूम ऑफ H2SO4 यूज जो आ रहा है उसका एवरेज ले लेंगे, ठीक है, एवरेज ले लेंगे। उसके बाद आपकी आती है कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन में क्या क्या निकाल लेंगे आप, जैसे कि फिनोक्टिलिन एल्केलिनिटी, कि फिनोक्टिलिन एल्केलिनिटी कितनी है, तो जो पी आएगा, जो एवरेज आएगा फिनोक्टिलिन के लिए H2SO4 यूज्ड का, वो होगा आपका पी, ठीक है, इनटू 100 अपॉन ml ऑफ वाटर सैंपल, जितना आपने वाटर सैंपल लिया होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी फिनोक्टिलिन एल्केलिनिटी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद टोटल एल्केलिनिटी के लिए आप क्या करेंगे, जो फिनोक्टिलिन के लिए एवरेज आ रहा है और जो मिथाइल ऑरेंज के लिए एवरेज आ रहा है, उन दोनों को ऐड करेंगे तो वो आपका होगा टी, ठीक है। तो टी इंटू 1000 अपॉन एमएल ऑफ सैंपल, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आपकी टोटल एल्केलिनिटी भी निकल गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये था एल्केलिनिटी टेस्ट, ठीक है, आज के लिए काफी। अब नेक्स्ट टाइम पीएच टेस्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।